बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थी चुका आहियूं। प्रोग्राम सलाम सिंधु आऊं तव्हांजो पंहिंजो इरशाद जागीरणी सां गॾु आहियां। आई एम अवां जी पंहिंजी प्रेस सैयद आहियां। अ वेरी गुड मॉर्निंग। उमीद आहे अवां सभु ठीकु हूंदा, मज़े में हूंदा ऐं अवांजो अॼु जो ॾींहुं तमामु बहितरीन तरीक़े सां गुज़री रहियो हूंदो। अगरि न गुज़री रहियो त असांखे ॾिसी वठो, गुज़री वेंदो अवांजो ॾींहुं। सो सभ खां पहिरियां त जीअं पाण सवेर आयासीं पिए त हिकु ॿिए खां असां पुछा कईसीं, बाबा नेरनि कई आहे तव्हां, लेकिन तव्हां नेरनि कई आहे त पोइ प्रोग्राम सुठो थींदो छो त तव्हां चुस्त हूंदो, असां बि करे एक्टिव रहंदा। बिल्कुलु, तव्हां जेकॾहिं न आहे कई त पोइ तव्हां अञा तव्हां वटि टाइम आहे टीवी ॾिसो पिया त नेरनि करे निकिरिजो। सिहतमंद रहण जे लाइ पंहिंजो ख़्यालु इंतिहाई लाज़िम आहे। कमु कार पंहिंजी जॻह ते उहे साइड करे छॾींदा कयो। ऑफिस में बि जेकॾहिं मानी जो टाइम थिए थो त उन टाइम मानी खाईंदा कयो। अमड़ियूं हूंदियूं आहिनि, पुछा कंदा आहिनि, पुटु मानी टाइम ते खाधी। टाइम ते खाइण जो मक़सदु इहो आहे त वक़्तु जेको मुक़ररु आहे मंझंदि जो मानी, भाउ हिकु ॿी बजे जेको लंच टाइम शुरू थिए थो, त उन टाइम ते जेकॾहिं तव्हां खाओ था तव्हांजी सिहत सुठी रहंदी। बाक़ी अहिड़ा माण्हू मूं ॾिठा आहिनि पर जेकी वरी मंझंदि जी मानी वरी शाम जो खाईंदा आहिनि 6-7 वॻे। बाबा हीउ कहिड़ो टाइम आहे, राति मानी टाइम थियणु खराबु इरशाद टाइम खे मैनेज करणु इलाही मुश्किल हूंदो आहे। पर जेकॾहिं असां हिकु दफ़ा हुनखे मैनेज करणु सिखी वियासीं, मुंहिंजे ख़्याल सां असांजा तकरीबन जेके बि मामला आहिनि, मसला आहिनि, उहे हल थियणु लॻंदा या चवां थी त सही थियणु लॻंदा। असांजूं राहूं जेके आहिनि उहे हमवार थियणु लॻंदियूं। तव्हां जेके बि टॉप लिस्टेड माण्हू या पर्सनैलिटीज़ ॾिसो पिया, उन्हनि टाइम खे मैनेज कयो। उन्हनि खे ख़बर आहे त टाइम खे कीअं मैनेज कजे ऐं टाइम खे मेंटेन कीअं करे हलजे। अॼु जेको प्रोग्राम थियणो आहे उहो ॾाढो ज़बरदस्त आहे। मौज़ महिमान असां सां पहुतल आहिनि लेडी हेल्थ वर्करनि जे हवाले सां जेकॾहिं का जुस्तजू कई आहे त उहा असांजी अदी भेण बुशरा कई आहे। बुशरा असांजे प्रोग्राम में शामिल आहे, मुकमल तारुफ़ वरी तव्हां कराईंदव। जी जी बिल्कुलु, मैडम बुशरा आई असां सां गॾु आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि जी यूनियन जे बारे में अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त उन्हनि जी यूनियन जो नालो आहे जंहिंमें सिर्फ़ु लेडीज़ आहिनि ऐं तमामु बहितरीन इहो क़दम आहे। उन्हनि खां पुछंदासीं वधीक, पर आउं सिर्फ़ु अव्हां थोरो सो नंढड़ो सो इंट्रोडक्शन कराईंदी हलां त उन्हनि जी जेका यूनियन जो नालो आहे आल पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन, ऐं उन्हनि जी CEO आहिनि। ऐं इन्हनि खां अलावा तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदी हलां त पाण पेटिशनर बि आहिनि, 6 केसिस लॉयर बि न आहिनि पर खटे चुकियूं आहिनि। त उहा ई ॻाल्हि आहे, जुस्तजू जेकॾहिं सची हुजे, नियत सची हुजे त रस्ता जेके आहिनि उहे आसान थी वेंदा। जी बिल्कुलु, ऐं उनखां अलावा जेकॾहिं अव्हांखे ॿुधायां त फेमस पर्सनैलिटी असां मौजूदु आहिनि, तमामु एक्टिव, तमामु हैंडसम डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहबु, जेके CEO आहिनि ईसा लेबॉरट्री जा। ईसा लेबॉरट्री जेका आहे उहो मुंहिंजे ख़्याल सां ऑल ओवर पाकिस्तान में ख़बर आहे कहिड़ा कमु करे रही आहे, ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां उहो उन जे बारे में ॿुधाइण जी एतिरी ज़रूरत बि न आहे। तक़रीबन माण्हुनि खे ख़बर हूंदी आहे, ॿारनि बचनि खे बि ख़बर हूंदी आहे। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदी तव्हांजी, वॾी महिरबानी तव्हां सां गॾु आहियो। तव्हां टेलीफोन बि करे सघो था, मौज़ महिमान गॾु आहिनि, उन्हनि खां को सवाल पुछणु चाहियो था उन्हनि खां पुछो, असांखां पुछणु चाहियो था त असांखां पुछो। ॾाढो सुठो प्रोग्राम आहे, तां ॾिसंदा आहियो, फीडबैक ॾींदा आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। अॼु बुशरा बि असां सां गॾु आहे। बिल्कुलु, ऐं अॼु जो जेको प्रोग्राम आहे उहो तमामु इंफॉर्मेटिव आहे, त तव्हां कॉल्स ते पुछी सघो था। सही, छो जो अॼु जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे बि इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं थी पियूं आहिनि, तव्हां कॉल करे ॻाल्हाए बि सघो था, पुछी बि सघो था सवाल असांखां बि, असांजा जेके महिमान वेठल आहिनि सभिनी खां। सही सही सही, डॉक्टर फरहान साहब ये बताएं कि ये लेबॉरेटरी बनाने का ख्याल कैसे है, थोड़ा सा सीनरियो। ये फरहानी साहब लेबॉरेटरी बहुत मशहूर है, माशाल्लाह इतनी सारी ब्रांचेस भी हैं पूरे पाकिस्तान में। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक्चुअली में आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये रिलाई, एक्चुअली ये लैब मेरे फादर ने बनाई थी। अच्छा अच्छा जी, और उनका वो अमेरिका में भी रहे और बाहर रहे, और उन्होंने रियलाइज किया था कि पाकिस्तान में जो है ना वो सबसे पहले जरासीमों का मसला बहुत ज़्यादा है। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि तशखीस होना बड़ा ज़रूरी है, और उनकी थ्योरी होती थी जो कंफर्म हो गई, तशखीस अगर हो जाए तो 70% इलाज हो जाता है। सही सही, कौन सा जरासीम पता तो चले है क्या। सही, ठीक। तो उन्होंने आके लैब सेटअप करी, फिर मैं आया, मैंने शुरू में गवर्नमेंट सर्विस में था, और फिर बाद में मैंने उसको जब ज्वाइन किया तो हमने कहा कि इसको एक्सपैंड किया जाए, क्योंकि डायग्नोस्टिक्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही थी, और आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ। और आपको पता है इतना, अब हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर ईसा लैब हो या दूसरे जो बड़े टॉप के डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जब कोविड आया तो सबने फौरन इस चैलेंज को अडॉप्ट किया और कोविड टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी। उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छा इदारा बना था NCOC के नाम से, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर,
कि उनको अदाद व शुमार जाने लगे और स्ट्रेटजीज बनने लगे। सही, सही। मैं समझता हूँ कि अगर एक गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर का काम करना और तशखीस के ऊपर होना, अभी मैं आपको बताऊँ अगर किसी को बुखार है, सर में दर्द है, जो है कमज़ोरी हो रही है, तो वो टाइफॉइड भी हो सकता है जो कि बैक्टीरिया है, छोटा जरासीम बैक्टीरिया, ये डेंगू भी हो सकता है और कोविड भी हो सकता है जो कि वायरसेस हैं, और मलेरिया भी हो सकता है जो पैरासाइट है। बग़ैर तशखीस के दवाइयाँ उस हिसाब से दी नहीं जा सकती। सही, सही। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। अच्छा, लोग समझते हैं कि लैब में ना मुझ जैसा एक बुढ़ा आदमी बैठा होगा, माइक्रोस्कोप में बैठा होगा और दो लोग होंगे। वेरी काइंडली, थैंक यू, यू मेड माई डे। तो उसमें होता ही तो अब लैब इंडस्ट्री जिस तरह से दिल का डॉक्टर अलग होता है, आँखों का डॉक्टर अलग होता है, पेट का डॉक्टर अलग होता है, गायनोकोलॉजिस्ट अलग होता है, उसी तरह डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में जो जरासीमों में काम कर रहे होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहलाते हैं, वो अलग हैं। जो हार्मोन्स का काम कर रहे होते हैं वो क्लिनिकल केमिस्ट कहलाते हैं। जो बायोप्सीज निकलती हैं कि कैंसर है कि नहीं है, वो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। कोविड का टेस्ट जो कर रहे हैं पीसीआर, ये मॉलिकुलर पैथोलॉजिस्ट हैं। जो खून की बीमारियां देखते हैं, थैलेसीमिया, कैंसर्स, ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, वो हेमाटोलॉजिस्ट हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं। ये मतलब बहुत डोमेन बढ़ गया। और फिर रेडियोलॉजी है जिसमें MRI, CT स्कैन वगैरह। एक चीज़ मैं गुजारिश करता चलूँगा, आपकी प्रोग्राम इतना अच्छा हो रहा है, याद रखें कि अल्ट्रासाउंड और MRI में रेडिएशन नहीं होती। अल्ट्रासाउंड और MRI में, तो अगर बच्चा पैदा होने से पहले अल्ट्रासाउंड कराना हो वो बिल्कुल सेफ होता है। लेकिन एक्सरे और CT स्कैन में बहुत रेडिएशन होती है जो बच्चे को डैमेज कर सकती है। तो कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर पे एक्सरे और CT स्कैन अगर बहुत ही मजबूरी हो तो बता के करवाएं, और वरना अवॉइड करना होता है एक्सरे और CT स्कैन। प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि अगर पहले 3 महीने के अंदर शुआएँ लग जाएंगी ना एक्सरे या CT स्कैन की, तो बच्चा नॉर्मल पैदा हो सकता है। अच्छा अच्छा, सही सही। और ड्यूरिंग, जी जी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो BP शूट हो जाता है वो भी मतलब इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है? BP इसकी वजह से नहीं होता। BP दो चीज़ों की आजकल, एक समझें कि हमारे पास, अगर आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, दो चीज़ों की वबा फैली हुई है हमारे पास, कोविड से भी खतरनाक। एक है डायबिटीज, एक है ब्लड प्रेशर। और बेचारी और एक है खून की कमी लेडीज़ में होती है। अब वो एक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में बहुत एग्जामिनेशन, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जो लेडीज़ हैं, लोग समझते हैं तो नॉर्मल है, प्रेग्नेंट हो गई तो नॉर्मल, अल्लाह ताला का प्रोसीजर है। लोग कहते हैं कि भाई वो तो जानवर के, उनके बच्चे भी पैदा होते रहते हैं, तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आजकल हमारी, आपको पता है, खाने में इतनी एडल्ट्रेशन है, खाने में मसनूई चीज़ें इतनी आ गई हैं, फिर पोल्यूशन हवा में इतनी ज़्यादा है, केमिकल्स इतने ज़्यादा डल रहे हैं मसालों में हर जगह पे, तो हर चीज़ का बॉडी पे नुकसान है। और फिर जरासीम भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के आ गए। और ये चेकअप होना लेडीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ बहुत उनको ख्याल करने की ज़रूरत है, उनका मेडिकल चेकअप के अलावा ज़हनी सुकून देना भी उनको बहुत ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लेडीज़ में क्या होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि उनके बड़ों में से किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ रहे, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी उनके अंदर वो एकदम से नॉर्मल शख्स में एकदम से अलामत आती हैं, क्योंकि बॉडी पर प्रेशर होता है, वो एक और जान को जो है वो पूरी बीमारियाँ हो गई, तो नहीं एक और, यानी बॉडी पे प्रेशर होता है, एक और बॉडी एक को पाल रहे होते हैं एक बच्चे के लिए तौर पे। तो उस जमाने में अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो जाए तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना लेडी अगर प्रेगनेंसी के बाद भी फिर बेचारी को अमूमन बीमारियाँ हो जाती हैं। मैडम तहाँ एजुकेटेड सुठा संजीदा मुख्य लगो था, तो असं वो अमूमन यह शे होंगी है जैसे प्रेगनेंसी दौरान प्रेगनेंसी की गाल हल पी, तो अस अक्सर ये चवंदा तो तू पे औरत जो बार थियणवारो है, तो मन जो ये सब गाल हों वो औरत के केतो असर विजो। असो बेसिक कम ही यो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम जो मोहतरमा शुरू कर एज अ लेडीज, उनके जहन में ब शूँ हुई, तो औरत के फाइनेंशियली पावरफुल करण, ऐसो केतो भी हों घर में औरत वट पैसो न हों जो कमाए अचे तो उसे, मगर अगर हथ में भी दे तो उनको पूरा हिसाब किताब वो, मगर जो पर्सनल इंसान पहो कमाए तो हाँ रोम्बी लाब करन थी लेडीज़ कद ना ज़्यादातर तसो असन साइड सिंध के बकौल कराची हैदराबाद का असन साइड सिंध की तुम दिसंद तो उन में लेडीज़ ज़्यादा कमाए थी पी।
इलाही कम करे थी। जानवर हू पाले छेणा हू थप्पे करे जेको आ त विकणे थी। जमीन जो कम ज्यादातर लाबारो हुजे जानवर पाले छ जानवर ना को कम भी करे थी पाणो चा जानवर कोई वधिक माना मां नसी समझा इन के जदी सिनफे नाजुक चोंदा त मा के हैरान कुन इंदो आ त इन औरत जेके कम अगर गणिया वन त मर्द का हिकड़ो कम बार जण जो अन्या वधिक अल्लाह ताला दिनो यानी अल्लाह ताला पावरफुल उन के कयो आ मगर मर्द की वरी शान जेकी आ अल्लाह अगर मथे कई आ त उन के उहा जिम्मेदारी दिनी आ। हां उन के को ताकतवर न ठायो फिजिकली स्ट्रांग ना है एग्जैक्टली त असां जो कम यो हुंदो आ त जेने असां जी फील्ड में 1000 पॉपुलेशन में जेके औरतूं प्रेग्नेंट थियन थियूं पहिरें ॾींहं खां वठी वेंदे डिलीवरी खां बाद बि 3 साल ताईं असीं उन्हनि जे कढ हूंदा आहियूं यानी असांजी ख़ासि प्रायोरिटी नज़र हूंदी आहे उन ते ऐं असां उन्हनि खे तयारी कराईंदा आहियूं। मां इहा 3 देरियूं अॻे बि शायदि ॿुधायूं हुयूं त असां उन्हनि खे तयारु कंदा आहियूं त वरी मां वरजाईंदमि त असां मिसाल आहे इन में का ग़रीब अमीर जो त कॉन्सेप्ट ई कोन्हे। कंहिं वटि बि मां नथी सम्झा एट ए टाइम को अबारशन थो थिए त पैसा पिया हूंदा आहिनि हिन दौर में त मां नथी सम्झां त उहो असां उन्हनि खे तयारी कराईंदा आहियूं फस्ट डिले सेकंड डिले ऐं टियों जेको डिले आहे यानी पहिरीं देरी ॿी देरी टीं देरी पहिरीं देरी में असां उन्हनि खे इन करे देरी खे ख़तमु करण जे लाइ उन्हनि खे चवंदा आहियूं बाबा को भांडारो वठो जंहिंमें तव्हांजो घर जा फ़र्द उन में 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया उनमें रखंदा ऐं उन उन सां वेही उनजे सॼी फैमिली सां वेही हिकिड़ी डिस्कशन कंदा आहियूं त बाबा हीउ जेको ॿारु आहे हिन जी माउ जे आराम जे बारे में माउ जे ख़ुराक जे बारे में उन जी ज़हनी पंहिंजी औरत जी जेकी ज़हनी नशोनुमा आहे उन जे बारे में बि उन्हनि खे सम्झाईंदा आहियूं ऐं इहो सम्झाईंदा आहियूं त तव्हां सभु जेके फ़ैसिलो कयो त हीउ जेको ॿारु आहे इन जी तयारी सेकंड ऐं थर्ड कीअं करणी आहे। हाणे फस्ट थी वई पैसा जमा थी विया उन दौरान असां उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहियूं त सेकंड कहिड़ी आहे त तव्हां गाॾी वारे सां ॿिनि टिनि गाॾियुनि वारनि सां ॻाल्हाए छॾियो ओड़े पाड़े में यारी दोस्ती जिते बि आहे टैक्सी वग़ैरह उन्हनि जी टाइमिंग जी तव्हां सभु खे ख़बर हुजे उन्हनि जा फ़ोन नंबर तव्हां वटि हुजनि छो त डिलीवरी लाइ न विच में जेके कंडीशन्स अची वेंदियूं जीअं डॉक्टर साहिबु चयो आहे चेकअप असीं चवंदा आहियूं घटि में घटि हूअं त 14 चेकअप आहिनि असांजी ग्रोथ चार्ट में लिखियल आहिनि मगर घटि में घटि 4 खां 6 त लाज़मी आहिनि फस्ट सेमेस्टर सेकंड ऐं थर्ड में वरी 3-4 थी वेंदा आहिनि। पोइ पैसा बि जमा थी विया गाॾी वारनि सां बि ॻाल्हाए छॾियो ऐं जॾहिं हू चेकअप लाइ वेंदी डॉक्टरयाणी उनखे हिकिड़ी EDD चवंदा आहिनि त उहा उनखे डेट कढी ॾींदी हिकिड़ी ईअं ई त बाबा हिन ते पॉसिबल आहे अंदाज़े मुताबिक़ त हिन डेट ते तव्हांजी डिलीवरी डिलीवरी ओके। हाणे मौसम जी बि ख़बर पइजी वई असांखे सही मौसम जी ख़बर पइजी मौसम कहिड़ी हूंदी ठीकु आहे ऐं वरी जॾहिं असां इहो जेको विज़िट कंदासीं डॉक्टरनि वटि असांखे रस्तनि जी बि ख़बर पवंदी केतिरो डिस्टेंस आहे रस्तो ख़राबु आहे रस्तो ब्लॉक कहिड़े टाइम थींदो आहे यानी कि इहे 3 देरियुनि खे कवर करण जे लाइ जल्दी जी तयारी करणी आहे। हाणे असां वटि पैसा बि अची विया असीं तयार बि थी वियासीं विज़िट बि कयासीं गाॾी जा बि इंतिज़ाम आहिनि हाणे अचानक अगरि उनखे अबारशन थो थिए त फ़ोन नंबर घर जे भातियुनि वटि आहे मर्द नाहे अवेलेबल फ़ोन करे टैक्सी वारे खे घुराए माण्हू पुॼी सघे थो त डिलीवरी खां अबारशन ज़्यादा ख़तरनाक आहे। डिलीवरी जो अगरि हिकिड़ो माना तकलीफ़ आहे त हुन उहा 4 जे बराबरि थी वेंदी जेतिरी हुनजी ब्लीडिंग ज़ाया थिए थी ज़िंदगी जेकी आहे हिकिड़ो ॿारु अंदरि अगरि मरी थो वञे ज़हर फैलिजी वञे थो। मां सिंपल सादी डॉक्टर वारी ज़बान नथी ॻाल्हायां मां सादी ज़बान इन करे ॻाल्हायां थी त असांखे इहो ई चयो वेंदो आहे त तव्हां अंग्रेज़ी न ॻाल्हायो त तव्हां जेको फील्ड में वेंदो त उते को तव्हांजो अंग्रेज़ी जो अगरि लफ़्ज़ का अची थो वञे त अॻिलो नथो सम्झे बहराड़ी जा माण्हू या आम माण्हू बि ॾिसो अंग्रेज़ी असांजी ॿोली न असांजी जेकी बि ॿोली आहे असांखे उन ॿोली में उन्हनि खे सेखारिणो आहे तव्हांखे मक़सदु हासिलु थिए। हाणे जॾहिं असां वटि पैसा बि अची विया भांडारो भॻोसे आराम सां खणी घर जा भाती जेके बि अवेलेबल उते पुॼी असां ज़िंदगी उनजी बचाए वरितीसीं ठीकु आहे। इन जे करे वरी जॾहिं सेकंड डेरी बि थी वई असांजी थर्ड डेरी में असांखे काफ़ी मसला मसाइल इन करे न थींदा आहिनि अगरि असां 2 डेरियूं कवर कयूंसीं त मूंखे ख़बर आहे त हीअ डॉक्टरयाणी कहिड़े टाइम वेहे थी हीअ नर्स हीअ LHV कहिड़े टाइम वेहे थी हिते सीज़र जो इंतिज़ाम आहे न आहे हिते ब्लड जो इंतिज़ाम आहे न आहे हिते ॿार जी ऑक्सीजन जा जेके आज़ादी ज़बान में चवंदा आहियूं शीशो रखियल आहे या न आहे वेंटिलेटर जेको आहे न आहे माउ जी जेकी अगरि ब्लीडिंग अचानक शुरू कल टियों ॾींहुं हिकिड़ो केस थियो आहे त हालांकि उन्हनि सॼी तयारी कई मगर अचानक में राति जो थियो आहे त हिकिड़ी आम दाई वटि खणी विया
बार नॉर्मल पैदा घर इंदे इंदे उनकी ब्लीडिंग एतरी शुरू थी वही उन को कट लगी वो अलग मगर जैसे डॉक्टर मां दिसंदी आया असा अंदर भी वेंदा हूं तो वो बाकायदा हूँ हर 15-20 मिनट का अंदर बाकायदा चेक कंदी हुई अच्छा अच्छा बिल्कुल बाकायदा काटन रखे उनके बाकायदा उन जो डिठो वेंदो आ त केतरी ब्लीडिंग अचे दी को कट त न लगी वयो सही सही माने दाई माई खां थोरो पासे दाई माई खां थोरो पासे त अस जो कम भी यो या त अस राह हमवार कयो सही त इन में दिसो तहां जो पैसो परेशानी जिंदगी हर शय बची वई सही त ही अस मानु सुस्त आयो जी डॉक्टर साहब चो न त ईसा हाने डॉक्टर साहब वारन समूरन वड्यू कोशिशू कयूं असाई मैडम अज़रा इंतहाई कोशिश कंदी आ त मा मानुन जी फील्ड फोर्स ताई माना पुजाया हर शय ठीक मगर जने 2020 का कोविड शुरू थियो इन 19 से हुआ था 19 से हां 19 त उन 4-5 महीनन में माना साल कन जेको असा के इन्वॉल्व न कयो हो अच्छा उन में डॉक्टर्स होया प्राइवेट आगा खान लियाकत नेशनल सब होया सही मगर उनन का वो कवरेज ना आई छो त असा जा मान ता के घर घर डिठल असा जा मान असल न समझदा पो चिप चोंदा बार बंद कराण चोंदा मा यो चोंदी अगर गवर्नमेंट चाहे तो ता के चाहे जी पत्ती में विजी दे जेका एडा शौकीन ता जा बार बंद थी वने ता कंट्रोल में अची वनो रूबट ठाहे सके थी छा न था खाऊ चाहे त करे सके पर जगे असा इन्वॉल्व थिया से 2021 जुलाई का वठी त असा हां बुदो लखन में माना हां सुन सुन बचाउदा हुंदा सिको सुठो कलाम बुदो खंड पति गाल निकती आ मुकड़ो शेर याद अचियो त असा वट बना खंड भी कोने पति भी कोने जी जो खपी याद वरी वती भी कोने हां महाजन ने वटी अच जो जी सना असलम के चंदा साई गानो बुदाए दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा तो बोल कफारा क्या होगा बोल कफारा कफारा बोल कफारा तू बोल कफारा क्या होगा बोल कफारा तेरे मिलन के दीप जलाए अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए तेरे नाम के हर पग तस्बीह को सांसों के गले का हार किया दुनिया भूली और सिर्फ तुझे हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया तुम जीत गए हम हम हारे और तुम जीते तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा बोल कफारा कफारा बोल कफारा तू बोल कफारा क्या होगा वाह 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 क्या कह रही ये कफारा इस तरह की से हो सकता है या तो ब्रेकअप हो या ब्रेक हो
ब्रेक जी तरफ वनी था ब्रेक कब ने ब्रेक जी तरफ वनी था तो केना ने मन जो ऐसा सांग गेट रहे जो सलाम से मुझे सिंह के सलाम सलाम सिंह मुझे सिंह के सलाम सलाम सिंह जी सलाम सिंह तुम्हें एक बार वरी ताकि बली कार चाहूँ था सुचा कलाम बदूं था मौसम में हमारा साथ नहीं पोतला है ने ब्लेपा ट्रीज जो वरुण मसलों उन्दु आए पाना बच्चे डॉक्टर टेस्ट वगैरह लिखी दी नहीं अच्छा ये मुझे बताएं सवाल देन में डॉक्टर कोई टेस्ट लग वगैरह लिखते देता है तो खास लेबॉरेटरी मेंशन करता है भाई यहीं से करा ले कोई क्या कोई सौदेबाजी होती है चक्कर क्या है यार बिहाइंड दिस ये भाई यहीं पर ही से करवा ले या मेडिकल स्टोर यहीं से दवा मिलेगी अच्छा नहीं ये क्या सीन होता है ये देखिए दो तीन चीजें हैं कि एक तो चीज ये है कि सौदेबाजी भी होती है अच्छा। मैं इसको डिनाई नहीं कर सही सकता सही। जो छोटी देखें क्वैकरी हर जगह पे अतायत सही, सही, सही। और अतायत जहाँ पे होती है वहाँ पे ये बिजनेस डीलिंग होती है जो गलत नॉन एथिकल है अब आ जाते हैं जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है या प्रॉपर अस्पताल है या प्रॉपर लेबॉरेटरी है उसमें ये नहीं होता सही, अच्छा। वो इस तरह से होता है जैसे आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं जैसे आपसे मैं पूछूं कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास कोई ब्रांड होगा कि मैं ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए अगर आपसे सिन टेलीविजन कहे कि मैं आपको एक गाड़ी देना चाहता हूँ तो आप कौन सी लेना चाहेंगे तो हो सकता है आप कहें मैं लैंड क्रूजर लेना चाहूँ या मर्सिडीज उसमें कुछ सौदेबाजी नहीं है बिल्कुल तो वो जो जो जिसपे कॉन्फिडेंस होता है ना डॉक्टर फिर उसका रेकमेंड करता है जिस क्योंकि रिजल्ट्स के बेसिस पे देखिए रिजल्ट्स जो है ना दो तीन वजह से की जाते हैं एक होता है तशखीस के लिए एक होता है मॉनिटरिंग के लिए कि बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं ठीक हो रही है और फिर उसको रिव्यू करने के लिए तीन महीने बाद साल के बाद जैसे फिर बगैर बीमारी के भी टेस्ट कराए जाते हैं जैसे लिपिड प्रोफाइल है खून की चिकनाई देखने के लिए शुगर का टेस्ट है प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं खून की कमी देखने के लिए हीमोग्लोबिन किया जाता है बीमारी के होने से पहले या प्रेगनेंसी से पहले तो उसके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चा भी सही हो सके बंदे को मैनेज किया जा सके तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही मुस्तनद उस पर ट्रस्ट वाली जगह से हो जैसे देखिए ना आपका जो चैनल है वो एक बहुत मुस्तनद चैनल है अगर आज आप कोई न्यूज़ देते हैं तो लोग उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे तो उसी तरह से लैब्स हैं और हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स भी होते हैं सही सही लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे यहाँ हर सेक्टर में अभी आपको बताऊं एक डॉक्टर थे मैं गांव गया तो मुझे मेरे एक दोस्त के पास शिकार पे तो पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब थी ठीक नहीं हो रही थी अच्छा तो पूछा भाई वो क्या इलाज हो रहा है तो कहने का डॉक्टर साहब ने कहा कि कहते मैं पहले उनके पास इलाज कराने गया था पेट का दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करें कि दिन में दो दफ़ा फैंटा पी लें अच्छा फिर उसके बाद मेरे सर में दर्द था तो उसने कहा आप सुबह उठते निहार मुँह फैंटा पी लें तो फिर मैंने कहा उससे पूछे कि वो ये वाली बात कि फैंटा वालों से कोई अंडरस्टैंड नहीं है उनकी तो इलाज अच्छा एक चीज़ जो इन्होंने बताई ना बुशरा बीबी ने कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एक तो प्रेगनेंसी के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है ना वो भी पूरा होना ज़रूरी है और दूध का माँ का दूध का पिलाना बहुत ज़रूरी है वो और जो है ना वो भी प्रेगनेंसी को डिले करता है और जो औरत की बॉडी है वो निचोड़ लेता है बच्चा उसकी सारी न्यूट्रिशन उसकी ताकत मैं तो बहुत कदर करता हूँ और उसके बाद अगर जल्दी जल्दी बच्चे होते हैं तो वो फिर बॉडी माँ की जो है वो वापस रिकवर नहीं कर पाती और उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अभी आपको पता है मुराद अली शाह साहब ने घर में जब बच्चों का मामले मसले हुए तो उन्होंने एक टीम बनाई और वहाँ पर लोगों को कहा कि जाके इसको इन्वेस्टिगेट करें तो मैं भी उस एरिया में था मैं भी चला गया तो क्या हम भी किस तरह उस वक्त मैं रोटरी का गवर्नर था तो रोटरी भी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी सर्विस करती है तो पता चला कि भाई तीन औरतें मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सबके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं एक दादी उसकी बेटी और बहू नीचे तक तीन जनरेशन बच्चे पैदा कर रही हैं और सबके बच्चे एक ही साइज के हैं और सारी प्रेग्नेंट हैं और सारी वहाँ पे मौजूद हैं और कमज़ोर और बिल्कुल एनर्जी नहीं है तो इस तरह तो फिर बच्चों भी कमज़ोर पैदा होते हैं और फिर उनकी अमवात भी ज़्यादा होती है एक चीज़ यही बात होगी एक दोस्त ने वो फेसबुक पे पोस्ट डाली अल्लाह का शुक्र है बेटा आज मुझे अल्लाह ताला ने मतलब बता दिया है दूसरे दिन पोस्ट लगाई भाई हुआ है बिल्कुल ऐसे ही है ये वही पोस्ट और एक जो है ना सिंध में इन लोगों का काम बहुत कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंध में जो है ना मैं आपको बताऊं मैं एक जगह पे गया तो वहाँ पे हमें बताया कि भाई वो बच्ची डिलीवर कर रही है कोई डॉक्टर नहीं है और बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो मुझे उन्होंने कहा कि आप आके इसको देख लें
तो मैंने कहा भाई हम तो आउट ऑफ प्रैक्टिस है, हमने तो मेडिसिन करे हुए, अर्सा दराज हो गया, और उस वक्त ज़ाहिर हम करवाते थे डिलीवरीज भी। खैर हम चले गए तो बच्चा, पता चला कि बच्चा जो है ना वो बेचारा बच्ची थी 13-14 साल की 12-13 साल की, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा, ख़ासतौर पर गाँव में और देहातों में। और बच्ची 12-13 साल की थी और उसकी बॉडी इतनी छोटी थी कि बच्चा भी मर गया, बच्चे का सर अंदर फंसा हुआ था, बॉडी बाहर थी। अब आप सोचें ऐसी सिचुएशंस भी डेवलप हो जाती हैं, हमें इसका भी ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। एनीवेज मैंने अपनी गायनाकोलॉजी की जो फ्रेंड है उसको फ़ोन किया, उसने कहा आप ऐसा करें बच्चे का सर काटें और बैकअप करें और भेज दें। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने अपनी गाड़ी दी और उनको रवाना कर दिया अस्पताल के लिए, अस्पताल भी 8-7 घंटे दूर। एनीवेज मैंने दाई से पूछा आप कर क्या रही थी, तो मुझे खैर बहुत सारी बातों के साथ जो दो उसने और गलत बातें की ना, मैंने कहा ये अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं होता जो बच्चा जिससे जुड़ा होता है, मैंने कहा ये काटती कैसे हैं, तो मुझे जंक वाला ब्लेड दिखा रही हैं कि ये तो काफ़ी बच्चियों में चल जाता है, इससे काटते हैं और जंक लगा हुआ और इससे हेपेटाइटिस बी सी दूसरी बीमारियां अलग, महंगा भी नहीं है, ले सकता है। तीसरी चीज़ ये कि खून रोकने के लिए क्या करते हैं वो, इनको पता होगा काओ का डंग लगाते हैं, मतलब काओ का स्टूल जो होता है उससे ब्लीडिंग रोकी जा रही है जिससे टेटनस हो सकता है। तो एक्चुअली अवेयरनेस की कैंपेन भी बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ लेडी हेल्थ वर्कर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जाके वो अवेयरनेस भी क्रिएट करें कि क्या ख्याल रखना चाहिए। और हमारे पास ना बच्चियों को हाइजीन और हेल्थ के बारे में मैं समझता हूँ स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए, वैक्सीनेशन के बारे में, और बिल्कुल जी अच्छा तीन चीज़ें बताई हैं, मैंने सिर्फ एक बताया है कि ये तैयारी है, मगर इसके अंदर जो हम टीटी वैक्सीनेशन करवाते हैं जब वो जाती है अपना विजिट करने, तो वहाँ इसको उनको हम फोलिक एसिड जो है फोलिक एसिड जा वो उर्दू बात करा ना, फोलिक एसिड जी जेके गोरी असां उहे उन्हनि खे ॾींदा आहियूं, उन्हनि खे खुराक जे बारे में ॿुधाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे सफ़ाई जे बारे में त असां माना स्ट्रिक्टली ॿुधाईंदा आहियूं त बेशक कहिड़ा बि कपिड़ा आहिनि उन्हनि खे तव्हांखे तक़रीबन रोज़ानो तड़ करिणो आहे, वारनि खे फणी ॾियणी आहे ऐं पंहिंजी खुराक जेकी आहे उहा 3 दफ़ो त हर कोई मानी खाए थो, मगर टिनि जे दरमियान जेके 2 दफ़ो विच में मंझंदि ऐं सुबुह जी मानी आहे उन जे विच में बि को नूडल्स वग़ैरह खाए, मिसाल बिस्किट खाया, फ्रूट खाए छॾे, वरी शाम जी चांहि सां गॾु पकौड़ा आहिनि, समोसा आहिनि, कोई बि अहिड़ी शइ जेकी घर में अवेलेबल आहे यूज़ कयो, पर असां उन्हनि खे इहो न चवंदा आहियूं त तव्हां गोश्त खाओ मच्छी खाओ। ॾिसो ग़रीब जे लाइ बादाम जी जॻह ते तव्हां मूंगफलियूं आहिनि, ॻाढ़ी गजर आहे ऐं असांखे उन मानी हिकु मानी खाए थी त 2 मानी उनखे ॾियणियूं आहिनि, खीर आहे अगरि पूरो गिलास न आहे त अधु कप पी सघे थी, ढुकी मिले मगर पीए, ऐं ज़हनी ज़्यादातर ज़हनी इन ई दौरान जीअं सर चयो त नानी ॼणे थी, ॾाॾी ॼणे थी, वरी धीउ ॼणे थी, नूह ॼणे, इन ई दौरान जॾहिं उनखे 8 महीनो हूंदो आहे न त हू थोरी पंहिंजे जिस्म माना उन तकलीफ़ में हूंदी आहे, त चवंदा लोह गरम हूंदो आहे त उते हथोड़ो हणो, त उन टाइम असां उन्हनि खे फैमिली प्लानिंग जे बारे में बि अवेयर कंदा आहियूं ऐं जीअं ॿुधायो त सुरमो विझंदा आहिनि, केरी हणंदा आहिनि दुन ते, त उन जे बारे में बि असांखे क्लोरोहेक्सिडीन मलम जी हिकिड़ी ट्रेनिंग ॾिनी वई, अवेल कयो वियो, उहा बि असां उन्हनि खे प्रोवाइड कंदा आहियूं ऐं असां उन्हनि जी हिकिड़ी टोकरी तयारु कराईंदा आहियूं इन सॼी दौरान, त उन में अगरि अचानक घर में थिए थी, अचानक इस हॉस्पिटल में कॾहिं कॾहिं शयूं मौजूदु न हूंदियूं आहिनि, हॉस्पिटल में बि कॾहिं कॾहिं शयूं मौजूदु, तव्हां पंहिंजो साफ़ ब्लेड धाॻो जेको बाज़ारि खां मिलंदो उहा पूरी हिकिड़ी किट असांखे ॾिनी वेंदी हुई एनजीओ जे थ्रू, उहा बि असां उन्हनि खे अवेल कईसीं, त उहा असां पूरी हिकिड़ी टोकरी तयारु कराईंदा आहियूं जंहिंमें उनजो साफ़ कपिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंसां ॿार खे साफ़ कयो वञे, ॿार खे साफ़ कपिड़े सां वरितो वञे, उहा धुन ते हणण वारी मलम उन वटि हुजे ऐं उन खां अलावा उनखे यकदमि तड़ न कराइनि, ऑयल उन्हनि खे चवंदा आहियूं मिठो तेल रखो, त जेकी दा उते आहे असांजी दाई CMW या दाई उते हूंदी आहे ट्रेंड, उहा उन तेल सां उनखे सिर्फ़ु चङी तरह साफ़ करे छॾे, तड़ 24 कलाक खां बाद तयार उनखे कयो वञे, पोइ चवंदा आहिनि त पोइ आज़ान कीअं ॾियूं, ॾिसो हुनखे आज़ान ॾियणी न आहे, हुनखे आज़ान ॿुधणी आहे, असीं मिसाल अगरि असीं माहवारी जे दौरान आज़ान ॿुधंदा आहियूं न त उनखे आज़ान ॿुधंदी आहे, नाक पाक या पाक जो त को तसवर बि न आहे, ऐं 24 कलाक खां पोइ तड़ करायो ताकी उनजो टेम्परेचर पेट ऐं ॿाहिरि खां मेंटेन थी वञे 24 कलाकनि जे अंदरि अंदरि, ऐं फौरन असां टाइम न ॾींदा उन्हनि खे, असां चवंदा आहियूं जेतिरो जल्दी थी सघे, लेटी पई आहे बेशक मार उनखे साफ़ सुथरो करे लेटाए छॾींदी आहे, ड्रिप हलंदी आहे, डॉक्टर हलाए छॾींदी आहे, त जेको उन सां गॾु ईंदो आहे असां इन करे पूरी फैमिली खे
तैयार कंदा हूं तो तहां बार के खणी मां जी छाती सा लायनो जेत्रो जल्दी थी सके। अच्छा अच्छा जेत्रो जल्दी उन में असा टाइम पीरियड नहीं 10 मिनट 15 मिनट अद्ध कलाक यानी मां थोड़ी रिलैक्स थे उन जी छाती सा लाए छड्यो बार हु जको पानी पींदा हो जो पानी उन के चोंदान पोचोंदा ने तो गंदो पानी असा हारे छड़दा हूं 3 डी को असा मिसाल उन के या दींदा हूं तो जडे में गऊ जे की आ हुआ यम करे थी में तो उन जी खड़ तहां छो खाइंदा चे वो ताकतवर हुंदी आ मां चो केड़े कलर जी हुंदी आ चे हेड्रे कलर जी तो मां चो मां जो खीर भी हेड्रे कलर जो हुंदो आ वो भी एड़े ही तरीके सा खड़ जो कम करे तो ताकतवर हुंदो आ वो कोलेस्ट्रॉल हुंदो आ पेरो मां के वो बार के टुको हुंदो आ ए वो इत्रो साफ सुथरो ताकतवर हुंदो आ तो हजारे बीमारन का वो कोलेस्ट्रॉल जे को पेरो खीर जो को पेरो तो वो उन के बचाइंदो आ ए खीर भी वरी काफी तरीका है त खीर असा मायरू छाजी थोरो हितो दिनो वरी मिंट में हितो सही सा उनन के टाइम इन में भी ना असा चंदो चंगी तरह ता एक साइड जो बार के खीर पियारियो छो त पेरिया पानी खुदा ही निजाम आ पेरिया पानी अचे दो पो खीर अचे दो अक्सर अस या प्रैक्टिस भी असा के कराइंदा ने असा पान मा थी गुजरियाऊ या प्रैक्टिस त अगर एक छाती का बार चंगी तरह पी सुमी पियो आ ना तो हन के वो उतरी के ना ओचो बार खीर न तो पए मुजो खीर खराब आ मुजो खीर जहरीलो आ सो खुदा जी ठायल शे में कदे को नुकसान न थिंदो पर यो बैरड़ी में खीर पियन दा पर शहर में था पियन शहर जो मायू वरी थोड़ी म्यूट चेंज हो शहर या बार पढ़े लिखे ले ना तेत्रो वरी बार पाउडर खीर दे उनन जो कांसेप्ट ये हुंदो आ तमा जी फिगर खराब थी वेंदी मुजी छाती खराब एड़ो कुछ भी ना है बार के खीर देन सा माँ के छाती जो कैंसर न तो थे बच्चेदानी जो कैंसर न तो थे माँ फिट रहे थी माँ जी फैमिली प्लानिंग जो जेको प्रोसीजर भी अगर माँ सही उनके खीर पियारे थी ना इनकी पोजीशंस हुंदी ना असन के पोजीशंस सिखारींदा बाकायदा एकड़ी गुडी वठी करे उनके सामो वनी जदे असी फील्ड में सेशन कंदा हूं तो उनके इया शे असा सिखारींदा देखारींदा करे बाकायदा उनके प्रैक्टिस करे देखारींदा हर शय जी जेकी भी शय असा ओआरएस ठाणो आ उनके प्रैक्टिस करे देखाइन छो त हाने तहा हा न था कयो न मा ता को सवाल किया ता के ओआरएस ठाणी दो सही गल ता छ चंदो हा पर मा इयो चंदो मखे ओआरएस ठाण जो तरीको या ओआरएस ठाहे त देखारियो या बुधायो त सही त एकडा बंद सवाल हुंदा न एकडा खुलेल सवाल हुंदा असा उनके प्रैक्टिकली सजो खुलेल सवाल माना कंदा तो इन दौरान फैमिली प्लानिंग अची वही सफाई अची वही फोलिक एसिड जो टेबलेट्स अची वही विजिट्स अची वह जैसे विजिट्स करण वे थी फॉर एग्जाम्पल हाँ अस इतने आया हूँ डॉक्टर फरहान से मुझी मुलाकात थी वही नालो तो बुधल हो लिबॉर्टरी से भी वेंदा हूँ पर असड़ी उन्होंने ऐसी सपोर्ट अची वही अंदरों खुश हाँ ढी तो हि जो हामला उत वे थी उन गड़ी सस निणान काई भी वे थी तो उत खोड़ हामला वेठी होंद तो उन्हें भी गाल बोल थी बुधाई हे डॉक्टरानी इन टाइम अचे थी हे डॉक्टरानी सुठी थी हे नक चिड़ी आते हे शे आए इते हे शे ना इते रात के टाइम सीजर थींदा डी जो ना थींदा यानी इन्फॉर्मेशन मिले थी अगर वो 14 दफो वने के जाए ते तो हु तो उनसा बिल्कुल अवेल थी वेंदी उनके हर शे जी खबर पेजी वेंदी तो इन दौरान अस उनके हर शे जे बारे में बुधाइंदा तैयारी तो कराइंदा पर असा जो जो फर्ज आ उनके बारे में बुधाइंदा बार के बारे में बुधाइंदा इन ही दौरान जी उनसा गड कुआरियों छोकरू वेठी हूं असा उनके भी ट्रेंड कदा अज शहर में थी सके सुभाने बाराड़ी में उनकी शादी थे थी या बाराड़ी में उनकी शहर में शादी थे थी तो हु ज़हनी ता जो एक्सपीरियंस है एकलो मुखे भी बुधायो सवाल जवाब दियो ते अक्सर असा वडी थिंदो आ ते गोरारी जका औरत हुंदी आ गोठन में वरी उनको कमकार भी कराई विंदो आ ससु पाण जने मासा भी कम कयो ता के चा खटू खणंदी वने बे कम कंदन शहर में वरी चवंदा है बा कम बिल्कुल ने को बेड रेस्ट कयो वो किन जो वरी यो ख्याल आ ते बेड रेस्ट करण सा बार वडो थी वने तो तकलीफ थे थी और जगह कमकार करे थी तो उनके डिलीवरी करने में आसानी थी यानी मसलो छ है किते पता मसलो यो इंसान जी जे की जात आ ना वोहा रहत मलूक आ अच्छा इंसान जात मलूक ना है महलन में भी रहन थी झोपड़न में भी रहन आ है तो सेम इंसान वो इंसान जी पान के रहाइंदो जेत्रो मजबूत कंदो जेत्रो कमजोर कंदो ता डठो फर्स्ट टाइम शायद कैमरा में आई आ पहरे गाने बे गाने में केडो फर्क आयो आयो न उन अन्या पान के कॉन्फिडेंस बिल्ट कियो मजबूत कयो असा समूरन उन जो कॉन्फिडेंस बिल्ट कियो से इयो न चो न न तू बेकार आ तो के गाय न असा उनन के चो आवाज डाडो सुठो आ पर इन के तो खुले गाला कॉन्फिडेंस त घर जा भाती भी इए ही हुंदा है
वजन वाकई फर्स्ट जेके सेमेस्टर हुंदो आ असा चोंदा हुंदा ओकड़ू भी न वेहे संदली वठी वेहे यकदम न उठे सुमे थी भी पासीरी थी आराम सा उठे ही कुछ एड़ी प्रैक्टिसेस भी आहन जेके मानू के या त पावरफुल करन थी या बिल्कुल मफलूज करन थी ठीक है त ही इंसान जात मलूक ना इंसान रहत मलूक आ कुछ अगर डॉक्टर दे वने थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुंदियूं आहन सही के त एतरी कॉम्प्लिकेशंस हुंदियूं हन त उन के बिल्कुल बेड रेस्ट हुंदा त उन के कुछ महीनन को पो यूट्रस के टाका लगाना पोंदा हन त बार बार न निकरी अचे छो त फ्लूपेंट ट्यूब्स में भी बार भी वने तो ए तहांजी बच्चेदानी में भी वने जेको फ्लूपेंट ट्यूब्स वारो बार आ वो डाढो दुखियो हुंदा त वो जदी तहां वेंदो न विजिट ते डॉक्टरणी वट तो वा ताके बुधाइन दी डॉक्टर साहब चवा ता अल्ट्रासाउंड मानू ता अल्ट्रासाउंड कराइंदा धी आया पुटरा मां तो चंदी अल्ट्रासाउंड इन जे करे करायो त बार ठीक आ मां के त का कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट न थी सो अल्ट्रासाउंड चेकअप सा वडो फायदो आ टेस्ट सा वडो फायदो आ ताके ऑलरेडी खबर हुंदी त हाने रस्तो मखे बलोच पुल बुधाए छड्यो सही ए मारे लोकेशन भी न पुगी अगर ही मखे चवन हा ही त हिते त मुंहिंजो रोज़ अचणु वञणु आहे मेहरान टाउन में हितां मां ॿ दफ़ो माना ब्रेक वई आहे त असांखे उन्हनि खे सही माना रस्तो ॾेखारणो हूंदो आहे जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा सकार था कंदासीं कम जूं ॻाल्हियूं कंदासीं प्रोग्राम तव्हांजे लाइ ॼाण वारो बि हूंदो आहे इंटरटेन बि कंदा आहियूं सभु मामला हिते गॾिजी सॼी हल थींदा आहिनि मतिलबु तव्हां जेकी ज़हन में ॻाल्हियूं सोचींदा आहियो उन्हनि मामलनि ते डिस्कस कंदा आहियूं सो डॉक्टर फरहानी साहब आहे अदी बुशरा बि आहे बिल्कुलु असां कोशिशि कंदा आहियूं तव्हांजी आवाज़ थी सघूं त सर खां इहो ई शइ पुछंदसि ना सर असां वटि घणो करे जेके पूअर आहिनि या जेके अफोर्ड नथा करे सघनि अफोर्डेबल न आहे असांखे डॉक्टर जेके टेस्ट वग़ैरह लिखी ॾींदा आहिनि त पोइ उहे ईसा लेबॉरेटरी में कुझु बेनिफिट्स आहिनि उन्हनि लाइ जेके अफोर्ड न करे सघनि उहे टेस्टूं वग़ैरह कराए न सघनि बिल्कुल जी हमारी लैब्स में यू नो हम फैसिलिटेट करते हैं और हम लोग कंटिन्यूस फ्री मेडिकल कैंप्स भी करते रहते हैं हम लोग असल में ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि प्रिवेंशन के ऊपर काम किया जाए कि बीमारियां ही नहीं हों और हम लोग डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर लेडीज़ के अंदर खून की कमी होती है जैसे बताया ऐसी बहुत सारी चीज़ों की हम रेगुलर करते रहते हैं और आप भी जहाँ कहेंगे तो वहाँ पर भी करेंगे बाकी हमारा एक अपना एक इंटरनल फंड रखा हुआ है जिसमें हम लोगों की मदद भी करते हैं इसमें हेल्प आउट करते हैं वाकई में महंगाई हो गई है और आपको पता है जिस तरह से और ये गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से है अगर आज गवर्नमेंट सही चला रही होती आज आपको पता है डॉलर 192-193 पे पहुंच गया 192 और अब इतना महंगा हो रहा है सारे सामान हमारा बाहर से आता है तो जा रहे हर एक चीज़ के रेट अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी रेट जो है दुनिया से दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क से काफ़ी कम है पाकिस्तान के अंदर अभी भी लेकिन ये ज़रूर है कि महंगाई हो रही है और अगर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट्स हैं सूबे की अगर वो फेडरल गवर्नमेंट भी सही काम करती है तो फिर लोगों को बेसिकली प्राइवेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है मैं हमेशा से बेहतर समझता हूँ यही कि लोगों को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए और ना जो फिर उसके अलावा कोई चाहे तो वो एक अलग बात है कि जल्दी सर्विस चाहिए कोई और चीज़ है तो बिल्कुल जी हम हमेशा हाजिर हैं और जो सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंट्रीब्यूशन का मौका मिला जी वो था फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची जो एक्सपो पर बना उसमें जी हमने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक फ्री लैब चलाई जितने लोग वहाँ पर मरीज़ एडमिट हुए उनके सबके फ्री एक्सरे अल्ट्रासाउंड और लैब टेस्ट हुए तो हम कंटिन्यूसली ये चीज़ करते भी रहते हैं और इंशाल्लाह करनी भी चाहिए सर सर ये भी बताएं कि डॉक्टर बनने के लिए जैसे कोर्स वगैरह करना पड़ता है तो लेब का एक्सपर्ट होने के लिए कुछ कोई खास कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है या कोई भी आके सीख सकता है लेकिन जी ये क्या तरीकेकार क्या है देखिए एक तो हमारे पास शौक हो कि भाई मैं लेब में काम करना चाहता हूं बिल्कुल जी आए हमें बल्कि जॉब में बल्कि नौकरियों की भी जरूरत है लोगों को तो हमें हमारे पास जॉब्स भी अवेलेबल हैं देखिए इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं जो डॉक्टर्स हैं कि जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो तो MBBS करते हैं जिस तरह आपके दूसरे डॉक्टर्स फेलोशिप्स करते हैं FCPS करते हैं उसी तरह से हमारे डॉक्टर्स इस हमारी फील्ड में FCPS करते हैं लेकिन फिर हमारे पास बहुत क्वालिफाइड मुकम्मल होने के लिए या PhD करते हैं दूसरे हमारे
पास बहुत सारे MSc's भी होते हैं जो केमिस्ट्री में हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हैं, अच्छा। जो टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो वो भी हैं। और फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट जिन्होंने किया है, जो रिसेप्शन पे काम कर रहे होते हैं, तो हर तरह के लोगों के लिए जॉब्स हैं। और मैं समझता हूँ कि इंटीरियर सिंध में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पूरे देही इलाकों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर किसी ने ट्रेनिंग्स करनी हो और जाके अपनी लैब खोलनी हो तो हम वो भी हमारे पास आ सकते हैं सिंध टेलीविजन और आप लोगों के थ्रू। वैसे माशाल्लाह मी साहब का नाम ही काफ़ी है, तो कितनी ब्रांचेस हैं ओवरऑल पूरे जी? हमारी माशाल्लाह जी तकरीबन 100 से ऊपर हैं। अच्छा, सो मैं तो हर शहर में जाता हूँ तकरीबन ईसा लैब मिलता है। जी जी जी, वो आपकी वेलकमिंग के लिए होती है शहर में एरिया में हमें नजर आती है इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम लोग साथ साथ जी लैब के अलावा ना हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अभी बातें हो रही थी, हमने तकरीबन 450 लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाना सिखाया है और उनको स्कूटीज भी दिलाई है। और अभी हमने रैलीज भी हमारी होती रहती है उनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरह। तो मेजर जनरल अभी इफ्तखार साहब हैं जो कि चौधरी इफ्तखार जो कि डीजी रेंजर्स हैं, वो उन्होंने कभी उसको हेड किया है। जावेद अकबर रियाज साउथ के DIG थे, तो उनके साथ मिल के कि उनको सिक्योरिटी का भी कंसर्न हो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जी, आपको पता ही है। जी बिल्कुल, अभी भी आप लेट मी नो, मैं आपको कार्ड देता हूँ। एंड अच्छा, उसके बाद जी हम लोग स्पोर्ट्स करा रहे हैं, क्रिकेट के अलावा जी सारे खेलों को, स्पेशली वुमेन स्पोर्ट्स को, फेंसिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, एनुअल इवेंट्स होते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। क्योंकि हम स्पोर्ट्स इसलिए कराते हैं, एक तो हेल्दी एक्टिविटी के अलावा हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि अगर आप किसी से हार जाते हैं, कोई आपसे जीतता है, तो आप उसको मुबारकबाद दें और आप मेहनत से उसको हराएं, ये नहीं कि गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाएं जो हमारा कॉज हो गया है। साजिशी तरीका जी, हम लोग जी इनफॉर्मल स्कूल्स भी चला रहे हैं जहाँ पे 18 साल के बच्चों को, तक के बच्चों को, जो बता रहे हैं सारी ईसा लैब्स करी जी, 18 साल तक के बच्चों को हम क्लास 5 तक का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज और फाइनेंस के, ATM मशीन कैसे यूज़ करते हैं, चेक कैसे बनाया जाता है, इनवॉइस कैसे करी जाती है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्म मतलब इस तरह से इनफॉर्मल जो एजुकेशन देखे कि प्रैक्टिकल नॉलेज, बिल्कुल जी। उसके बाद हम एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये है कि हम चाहते हैं कि लोग इसके बजाय कि जॉब्स के पीछे भागें, वो लोगों को जॉब क्रिएट करें, खुद क्रिएट करें। और उसके लिए हम सीड मनी भी देते हैं, हमने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट किया है, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स होते हैं जो कि उनको ट्रेन करते हैं, उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमने RO प्लांट्स लगाए जी, पूरे सिंध के अंदर कुएँ लगाए हैं, सोलर पावर्ड RO प्लांट्स, क्योंकि पानी ना होने की वजह से सही बहुत सारे मसले होते हैं। फिर हमने जेल्स पर बड़ा काम किया। और आपको बताऊँ, सिंध टेलीविज़न के हिसाब से भी और सिंध के हिसाब से भी, कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें जेल का वर्ड अब ख़त्म हो गया है, अब उसको कहलाते हैं प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी, इसलाह घर, और उसमें भी ईसा लैब इन्वॉल्व रही और अभी भी है। और हमने वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जेल में बनाए हैं प्रिजन के अंदर, कि जब लोग के पास स्किल नहीं है ना कोई, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको कोई काम ही नहीं आता होता, तो वो अंदर बैठ के वो स्किल्स भी सीखें और फिर उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिलाएं, सिलाई कढ़ाई के, मोबाइल फ़ोन रिपेयर, मोटरसाइकिल रिपेयर, सहूलत थी भाई सहूलत डॉक्टर साहब बुझाए तो इन का भलो मानू जेल में खाना भी बहुत अच्छा है जी जी, ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। और बल्कि IG आजकल काजी नज़ीर बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं जेल्स के अंदर, सफाई सुथराई का ख्याल, और मतलब आप अनबिलीवेबल हो गए। सही नाम बताएं कि जेल बंदा चला जाए खाना आप सियासतदान बन के निकलेंगे सफाई सुथराई सब चीजें तो जाना ही पड़ेगा सियासतदान तैयार कर। आदि मिश्रा हाणे का मुश्किलात त नाय न ता सब मसला हल थी गया हाणे कने अन्या रुकावटूं के न आहे न दिसो शुरू में गाल बोल पाण में ही जस्ट थे पई ता वक्त जेको आ उन जी कदर कयो सही ए वक्त पो तहां जी कदर कंदो 1994 का वठी 2008 ताई असा पेंजे नी मजबूरियुनि में इन्हनि क्राइसिस में हलंदा रहियासीं। जॾहिं 2008 खां असां सोचियोसीं त इन्हनि 10-15 सालनि में असीं हासिलु कयोसीं, पर मगर हाणे असांजा उहे 18 यानी सर्विस स्ट्रक्चर कोन्हे असांजो। जेको गवर्नमेंट असांखे सर्विस स्ट्रक्चर ॾियो उहो क़ाबिल क़बूल कोन्हे, उन में ज़्यादतियूं आहिनि, ज़ुल्म आहिनि, त हिकिड़ा अॻिते हलिया वञनि, ॿिया न वञनि। तव्हां जॾहिं कंफर्मेशन थी त पोयां ॾींहं पोयां 18 साल असांजा रहनि था, उनजे लाइ मां केस दाख़िल कयो आहे जी, केस दाख़िल कयो आहे, सतों केस 65 नंबर मुझे मिली भी वो उन अस तैयारी में भी आयो तो आया छा क्यों केस तुम पानी मिलना हाँ पानी मिलना इंशाला तो उनके उहो आयो असकी सुप्रीम कोर्ट असा के 1-7-2012 का तक रेगुलर था कर जैसे 1-7-2012 का रेगुलर थे हूँ तो 1994 का वी
जुलाई 2012 में तो उ असा 18 साल रहन था यानी असी सर्विस स्ट्रक्चर उहो चाहूं था जेको लेंथ ऑफ सर्विस यानी जै जो टाइम गुजारे उन गड वो उन में काउंट कर सर्विस स्ट्रक्चर दिनो वे अगर असा के वो गवर्नमेंट डे थी जी बन के भी खोड़न के मिलिया है तो असा के पीपल्स पार्टी का असा के घनी उम्मीद आ छो त मोहतरमा जो प्रोग्राम आ बी गाल इहा भी आहे त असा के दुखा मैडम अजरा खां त अस जदे लेडीज आई त अस डाढा खुश थिया से मगर कुछ पंजाब जो डॉक्टरियां ये आई जी उनन पंजाब में प्रोग्राम जलसी थी ना सियासी उन करे उन उते उन जो नालो ही खत्म करे छड़ो पर असा के फखर हो तो सिंध में सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम रखे हो ताकि मोहतरमा जो नालो जिंदा रहे ता हनन उन के कदले करे वक्त मना ने चवन था तो वतो वने फिर यो माने डिमांड आ ता असा जो जो बेसिक डिजाइन चेंज कयो वयो नालो ही खत्म कयो वने वयो त मजो सिंध गवर्नमेंट का मैडम अजरा का खास करे बिलावल भुट्टा का ये अपील आहे ही तहांजी वालदा जो प्रोग्राम स्टार्ट थियो बेशक हु अपर न करे सगी उनन के अल्लाह मौको न दिनो शहीद जालमन करे छड्यो त असा जो जेको बेसिक डिजाइन असा के वो बहाल करे दिनो अल्लाह को बहाल ही थिंदी इंशाल्लाह 60 साल जो थी वई हन उनन के बेनिफिट ना है मिल ना है न दिनो थन बेनिफिट जे 25 साल कयो न सजा पेंशन सही मैं कहूँगा कि लव योर प्रोविंस लव योर कंट्री पाकिस्तान जो है वो सब कुछ है और बस हमारी बस एक गुजारिश ये मेरी कि जो है हम बहुत सारे इदारों के बारे में आजकल जो है हम बहुत नेगेटिव बात करते हैं मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं एज फार एज आर रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेज आर कंसर्न जो मिलिट्री इज़ कंसर्न यकीन माने मैंने तो जब एक्सपो सेंटर बन रहा था फील्ड आइसोलेशन सेंटर तो आर्मी ने खड़ी थी वहाँ पर और उसकी वजह से ही डॉक्टर्स पहुँचे और सिंध गवर्नमेंट ने भी ज्वाइन किया अगर फ्लड्स आ जाते हैं तो आर्मी होती है अर्थक्वेक आ जाता है तो आर्मी होती है कोई ज़रूरत होती है तो आर्मी होती है और अगर अगर कभी हम रोड पर जाएँ और कहीं आर्मी वाले टीम खड़ी हुई तो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है तो हमें पाक आर्मी को हमारा सलाम है बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए आखिर में कलाम बुधना सी दियो बिल्कुल सना असलम के नाते सांगे कलाम बुधना तो ता जी बड़ी मेहरबानी अदा मोहम्मद अली मेहरबानी मेहरबानी ता जी ने को सा प्रोग्राम लिठो ता जी बड़ी मेहरबानी ता जो सके सच्चे तरीके सा ट्रीट कयो डाडा सुठा सवाल कया ए ता योजन सा प्रोग्राम में रौनक रही पण मुकलायो भला जी बिल्कुल सुरशा जागिरणी ए प्रेस सईद मुकलायो तो पांजो पंजन प्यारन जो दिलवारन जो घरवारन जो नंदन पितकड़न बारन जो बीमार जो उन जो ख्याल रखो जिनको ख्याल रखने वालों केर भी कोने सो जी लतीफ जी मिठी बोली पान सदाई गड अलाने के पान बिछड़े अभी तो बस कले पर सो जीऊंगी मैं इस हाल में बरसों मौत न आई तेरी आ क्यों आई है लंबी जुदाई चार दिन जी मेरे